Hi, good evening everyone. I know it's a long time since I have logged in and since I have communicated with you guys. बहुत समय बाद आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस लॉन्ग ब्रेक बिकॉज आई हैड सम इशूज, सो दैट्स वाई. एनी वेज, So I would like to introduce the topic for today. This is not something related to general studies or something related to education or etc. This is about self-love, self-appreciation, self-realizations, positive affirmations and positive manifestations. तो ये जो मैंने ये words बोले, you know, self-love, appreciation, realization, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, दीज आर ऑल वेरी बिग वर्ड्स. सो व्हेन आई से बिग वर्ड्स आई मीन ये मतलब खुद के अप्रिसिएशन से रिलेटेड है. सो इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू डू, यू फॉरगेट टू डू दैट बिकॉज हम यूजुअली अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम डे टू डे चैलेंजेस में भूल जाते हैं कि कई चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं जो हम निपटाते हैं. सो दैट रियलाइजेशन यू नीड टू हैव फॉर योरसेल्फ. तो आज हम आपको बताएंगे कि खुद से बातें करनी चाहिए और खुद से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड और यू आर टॉकिंग टू समवन यू लव. सो इट इज़ अबाउट टॉकिंग टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव, लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन यू लव. तो ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में कुछ लोगों के अक्रॉस आते हैं. वी कम अक्रॉस पीपल हु यू नो दे लव अस, फ्यू पीपल हेट अस. कुछ लोग हमारे बारे में धारणा बनाते हैं, कुछ लोग हमें जज कर लेते हैं, कुछ लोग हमारी एग्जिस्टेंस ही डिनाई कर देते हैं कि पता नहीं है भी कि नहीं है. कुछ लोग हमारी एग्जिस्टेंस को बहुत वैल्यू करते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इन सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करते हुए कुछ सिनेरियोज हमारी लाइफ में बनते हैं एंड इन दिस कोर्स ऑफ लाइफ जर्नी विद सो मेनी डिफरेंट सिनेरियोज एंड सो मेनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस वी टेंड टू अडेप्ट एंड समटाइम्स रिटेन टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, लेट्स से पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफर्मेशंस, फीडबैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम याद रखते हैं कि किसी ने हमें कैसे ट्रीट किया, या किसी ने कोई अगर हमसे नफरत करता था तो उसने हमसे कैसे बात की, या किसी ने कोई हमसे अगर प्यार करता था तो वो हमसे कैसे बात करता था, कोई हमें वैल्यू देता था तो कैसे बात करता था, कोई हमें इज्जत देता था तो कैसे बात करता था, कोई हमसे चिढ़ता था तो कैसे बात करता था. यू नो वी टेंड टू रिमेंबर ऑल दिस, दैट इज़ हाउ वी फॉर्म आवर परसेप्शंस दैट ओके इस इंसान ने मुझसे तमीज़ से बात नहीं की तो आई एम नॉट गोना रिवर्ट इन द सेम मैनर. ओके, सो ये जो नेगेटिव लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है जो हमको मिलता है, लाइक people who hate us, they don't actually tell you on your face that they hate you, their actions tell you. शकल पे वो बहुत प्यारे बनेंगे, आपसे मीठे बनेंगे, आपको लगेगा कि अरे इनसे ज़्यादा सगा तो हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर हैम्परिंग योर इमेज, कहीं ना कहीं दे आर मैनिपुलेटिंग योर माइंड टू बिलीविंग दैट यू आर प्रॉब्ली लेस देन देम, आप उनसे कम हैं, आप उनसे उनके बराबर नहीं आ सकते. तो ये जो एक इम्प्रेशन डालते हैं ना वो आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी आपके आप जैसे आपके साथ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आपका आपको ऐसा लगता है कि जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है या बहुत अच्छी दोस्त है एंड वो बैठी हैं आपके पास में एंड शांति से बात कर रहे हैं आप लोग एंड सडनली दैट वुमन और दैट फीमेल और दैट मैन और दैट मेल विल टेल यू, अगर इसमें ये चेंजेस कर लेते तो यार ये ज़्यादा अच्छा होता. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, दिस पर्सन हैज टोल्ड यू समवेयर दैट वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो नाउ वट हैपन्स ना कि जब आपसे कोई प्यार से बात करता है, कोई अच्छे से बात करता है, यू वट इट्स अ नेचुरल फीलिंग दैट ठीक है ये बंदा हमारा वेलविशर है, ये बंदी हमारी वेलविशर है तो हम इसकी बात मान सकते हैं. लेकिन उसके मन में क्या है कि हम नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, वी टेक ऑन टू द सजेशन दैट पर्सन हैज़ गिवन. बट वो सजेशन आपको डिमीन करने के लिए दिया गया है, आपकी सेल्फ एस्टीम को एक तरह से डिग्रेड करने के लिए दिया गया है, जिससे आपको ऐसा फील हो कि भैया हम इनके जितना अच्छा नहीं सोच सकते. ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है
कि अरे यार नहीं नहीं हम शायद कहीं गलत कर रहे हैं, सामने वाला सही कह रहा है. दिस इज़ कॉल्ड टेकिंग अप द नेगेटिव इम्पैक्ट विच द अदर पर्सन इज़ पुटिंग ऑन योर पर्सनैलिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन बी राइट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हमको सही रास्ता दिखाने वाले इस दुनिया में एक या दो लोग ही होते हैं, इंक्लूडिंग आर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स के अलावा कुछ एक दो लोग आपको ऐसे लाइफ में मिलते हैं जो आपके सीनियर हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपको सही, और ये ओवर टाइम आपको पता लगेगा. अब कोई एक साल से आपका दोस्त बना और आपको जो है जज कर रहा हो कि नहीं ये काम तुम सही नहीं कर रहे हो भाई, ये ऐसे नहीं ऐसे करो. सो हाउ मच डू यू थिंक दैट पर्सन नोज यू? यू आर समवन हु हैज़ क्रॉस्ड योर लाइफ, यू लिव्ड योर लाइफ. ओके, यू कैन नॉट डिटरमाइन योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू समवन एल्सेस परसेप्शन. दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे. सो आफ्टर ऑल दिस वॉट वी मस्ट डू इज़, हमें ये चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? वी मस्ट टॉक टू आर सेल्व्स द वे वी वुड टॉक टू समवन वी लव. जैसे हम किसी से प्यार करते हो, उसे क्या बात है, वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, राइट? सो विद कंपैशन अपने आप से ईजी रहिए, विद एम्पथी एम्पथाइज करिए खुद से. आपको अगर कुछ फील हो रहा है या कुछ आपको बुरा लग रहा है, जो भी कोई भी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, इफ़ यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, यू मस्ट एम्पथाइज विद योर ओन फीलिंग्स दैट येस आई एम फीलिंग लाइक दिस एंड आई शुड नॉट बी शाई टू यू नो नॉट से इट. वाई वुड यू नॉट से इट? यू शुड. सो विद अंडरस्टैंडिंग टू एंड हैंस फोर्थ वील बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. हम जब अपने आप के साथ कंपैशनेट रहेंगे, एम्पथाइज करेंगे, सामने वाले की बात को भी सोचेंगे, तो हम अपने रिगार्डिंग एक कंक्लूजन बना पाएंगे जिसमें हम अपनी एक पर्सनल स्पेस में, एक कम्फर्टेबल स्पेस में बैठे होंगे और हमें लग रहा होगा कि ठीक है, सामने वाले ने जो भी सोच के हमको ये सजेशन दिया हो जो हमको नहीं अच्छा लग रहा है या किसी न किसी तरीके से वो हमारी सेल्फ एस्टीम को डिमीन कर रहा है, तो हम उसको जज नहीं करेंगे. दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. द राइट थिंग वुड बी Do not let that person make you feel the way they want you to feel. Okay, I repeat, do not let that person make you feel the way they want you to feel. It is because that person wants you to feel low, feel small. That is why that person is going to give you n number of corrections in your life and which you are not comfortable with. There are two types of corrections, right? Unreasonable and reasonable. Reasonable, adapt करिए. अगर आपको कोई reasonable correction दे रहा है और आपको कोई सही बात बता रहा है, बिल्कुल adapt करिए. इन्हें कोई unreasonable बात बता रहा है, बिल्कुल adapt मत करिए. क्यों करना है आपको? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ओके, सो नहीं, अब जब तक हम सबसे पहले खुद को नहीं समझेंगे तब हम दुनिया को नहीं समझ पाएंगे. वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ फर्स्ट. ओके, हर किरदार को समझ सकते हैं तभी हम अपने जीवन में, हमारे लोग हैं, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, हम उन सब के किरदारों को, पर्सनालिटीज़ को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने आप को समझें सबसे पहले. क्योंकि हम अपने नज़रिए से उन लोगों को देखेंगे ना, हो सकता है कि आपके भले के लिए भी कोई कुछ बोल रहे हो लेकिन आप ज़िद में आ जाओ कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा या मैं तो नहीं करूँगी. ऐसा भी ठीक नहीं है. इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जितने किरदार आपकी सिचुएशन में हैं वो सब लोग अपने अपने नज़रिए से उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, लेकिन हमारे लिए सही क्या है वो हम जानते होंगे ना, हमें मालूम है. एंड जनरली यहीं पे दिक्कत आती है जब हम अपनी नज़र में सही होते हैं लेकिन हर पर्सन या हर व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि आपका वो नज़रिया समझे, आपके नज़रिए को समझने की ताकत सब में नहीं है. पीपल स्टार्ट हेटिंग यू, पीपल स्टार्ट जजिंग यू फॉर द वे यू आर, क्योंकि वो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हम कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो हमें जज करने लगते हैं, हमारे एक्शंस वो जज करने लगते हैं. ओके, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, और वहीं पर हमें उन लोगों का बिहेवियर नज़र आने लगता है. देर इज़ वन वेरी फेमस सेइंग आई हैव रेड समवेयर, आई वुड लाइक टू शेयर हियर. इफ़ यू वॉन्ट टू नो समबडी, टेल देम अ नो. When you deny something to someone, their real character comes in front. Okay? So, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम, हमारी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट इंसान होता है, ठीक है, मे बी योर फ्रेंड और मे बी योर पार्टनर, वो आपके, आपको जज कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता, एंड वो आपके बारे में कुछ डिमीनिंग बात बोल दे,
अब आप क्या करोगे, आप अपने वैलिडेशन को उसके थ्रू देखने लगोगे कि खुद को ना उसके थ्रू वैलिडेट करने लगोगे, विच इज़ रॉन्ग, यू शुड नेवर डू दैट। भाई आप जो हैं यू शुड बी अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेड द वे यू आर, एंड फिर whoever this person is close to you and important to you. So this person should not judge you, but people do that. And हमसे क्या गलती हो जाती है, हम उसकी नज़र से खुद को आंकने लगते हैं और वहीं पे हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ लव कम होने लगता है, हम खुद से प्यार कम करने लगते हैं, हम उसको ज़्यादा प्यार करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि भाई वो ऐसा कह रहा है, हो सकता है हमें कमी हो, यू नो दैट वेज. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. खुद की नज़रों में ज़िंदा रहना ज़रूरी है. खुद के दिल से पूछो, आपने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, तो आपको इस दुनिया में किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. और आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर इंसान आपके रीज़न्स समझे, और जिन्हें समझना होता है उनको हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, दे अंडरस्टैंड यू एज इट इज़. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अपनी दोस्ती खुद से कर लेते हैं तो बाहर के लोगों की बातों का असर आप पर नहीं होता है, और ये आपके लिए एक डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीडम है. जब ये चीज़ हो जाती है ना, तो आप एकदम फ्री महसूस करने लगते हो आप, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है. इट्स ऑल इन वेन, यू लव योर सेल्फ, यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं. सो आई want to wish you happy independence day when you realize this freedom, I'm sure. So talk to yourself like someone you love or someone who's your best friend. Sabse acche dost khud ke baniye, tabhi duniya aapki dost ban payegi. So guys, I hope you enjoyed this session. This was a simple chit chat with you guys, lekin is cheez ki I think bahut zarurat hai. Take care, good night, and milte hain next episode mein.